इधर देखो ध्यान से सुनना। कल हमने मतलब ये करंट्स के बाद आगे तक पढ़े थे, इसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े, देन मोबिलिटी क्या होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन आता है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के। ओम्स लॉ आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे। ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो अगर मैं ओम्स लॉ किसी से पूछता हूँ तो आप लोग बोलते हैं कि सर जो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस का। बात सही है, आपने यहाँ तक 10th तक पढ़े होंगे या आपने पता होगा कि फॉर अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे आपका जो करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका भैया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का। हम भी यही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट है उसमें और जो मैथमेटिकली है उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फर्क आता है। स्टेटमेंट में आप देखिए ध्यान से, मैं भी वही लिखा हूँ, आपने वही पढ़े होंगे कि भैया अगर कोई भी करंट जो है फ्लो करेगा किसी कंडक्टर से, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि जब भी कोई करंट जो है फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से, सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कोई कंडक्टर है जिससे भैया करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक कंडक्टर है जिससे क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इसके दोनों एंड मान लो ये एक ए एंड है और ये बी एंड है, तो इनके दोनों एंड तो पोटेंशियल होगा है ना, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं वी ऑफ ए है और इसका पोटेंशियल कितना है वी ऑफ बी है ना, तो आपको ये बोल रहा है कि जो करंट जो होगा फ्लो करेगा कंडक्टर से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड, मतलब जितना करंट आई जो है वो फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भैया वी बी माइनस में वी ए का। क्या अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो मैंने लिखा हूं क्या ये सही है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं वी बी माइनस में वी ए है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का, इन दोनों में से क्या सही है? भाई साहब स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों सही है, ठीक है, मान भी चल मान सकता था, लेकिन जो उस दिन जो बहस जो छिड़ा हुआ था यही कंडीशन भैया, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि वी वी माइनस वी ए, मान लेते हैं इस सबको वी ही ले लेते हैं, ये जो है वी है, मतलब भैया आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ना, दोनों कंडीशन सही है, लेकिन भैया ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, अब अगर आई बराबर में आर आप यूज करेंगे ना, अरे कांस्टेंट तो यूज करेंगे, क्या आई बराबर में आर वी होता है? तो फिर आपने कैसे बोल दिया सही है ना भाई, मैं आपको इसी चैप्टर में 3 जगह प्रूफ करके दूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ स्टेटमेंट में आप लिखते हैं जरूर कि करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल का है ना, पोटेंशियल का, लेकिन लिखा कैसे जाता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, जहां पर आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो यहां पर आर यूज करते जो आपका क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है भैया कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो आगे आपको और कुछ लिखाया हुआ है, मैंने यहां पर एक फॉर अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के बारे में बात नहीं किया, हमने यहां पर इस कंडक्टर पे जो भी कंडक्टर उसके फिजिकल स्टेट के ऊपर बात की हो, फिजिकल स्टेट का मतलब भैया अब इसका प्रेशर भी हो सकता है, उसके द्वारा होने वाला चेंज क्या होगा, टेम्परेचर भी हो सकता है, अगर किसी भी टाइप्स का कोई मैकेनिकल स्ट्रेन लग रहा है, स्ट्रेन पता है ना क्लास 11th में पढ़े थे भैया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, तो अगर उसके हिसाब से अगर कंडक्टर चेंज हो रहा है तो भी उसके ऊपर डिपेंड्स कर सकता है ना, तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख के दिया हूं कि इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, जैसे एग्जांपल में टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एटीसी है ना, रिमेन्स कैसा होना चाहिए, अनचेंज्ड होना चाहिए, मतलब कैसा रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। भैया अगर जैसे ही आपका मैकेनिकल स्ट्रेन चेंज होगा, कॉन्स्टेंट नहीं है, वैरी करेगा, तो फिर प्रॉब्लम्स आएगा, क्योंकि टेम्परेचर भी वैरी करेगा तो भी फिर प्रॉब्लम्स आएगा, जो आगे चल के आपको धीरे धीरे पता चलेगा है ना, तो आपको याद रखना है ओम्स लॉ में, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं फॉर अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, सिंपल सा, ठीक है। अगर मैथमेटिकली बात करेंगे तो क्या होगा, वी मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट का, किसका, करंट का है ना, तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भैया मैं रिप्लेस कर देता हूं जो आपको दिया हुआ है उसको, हमने किससे रिप्लेस किया, आर से, और यही आर आपका क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा, क्या कहलाता है, ये
रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या ये कांस्टेंट है ना, ये क्या है कांस्टेंट है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका बोलने का मतलब ये है आर की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर आप वी को जितना ज्यादा से ज्यादा चेंज करो उसके हिसाब से आपका आई भी चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर किसी भी टाइप का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ सर, प्रतिरोधक आगे जाके बढ़ेंगे अभी, जस्ट इसके बाद ही बताने वाला हूं मैं। देखो V जो है कितना होता है आई आर, मतलब भैया अगर मैं इस इक्वेशन में जो ओम्स लॉ ने जो दिया हुआ इक्वेशन उसमें अगर मैं पोटेंशियल को और करंट को कितना भी चेंज कर दूं, चाहे कम करूं या ज्यादा करूं, लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर किसी भी टाइप का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्या है ये भैया कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो कभी चेंज ही नहीं होगा, भैया चेंज होता है, उसके अलग अलग रूल्स है जो हम नीचे जाके पढ़ेंगे और आगे जाके, है ना। अभी फिलहाल ओम्स लॉ में अगर आप पोटेंशियल को कितना भी चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग करंट चेंज हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल को ज्यादा करोगे करंट ज्यादा होगा, पोटेंशियल को कम करोगे करंट कम होगा, लेकिन रेजिस्टेंस आपका जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगा। समझ में आया, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है वेयर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आर इज कॉल्ड क्या है, रेजिस्टेंस है, है ना। और भैया रेजिस्टेंस का हिंदी नेम होता है प्रतिरोधक, है ना, नाम में ही छुपा है, रोधक मतलब रोकने वाला, काम क्या कर रहा है, रोकने का काम करे, किसको काम करेगा रोकने का, करंट को, आगे जाके पढ़ेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को, फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से भैया, ओम्स लॉ फॉर अ कॉन्स्टेंट की बात कर रहा है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, या आप ऐसा बोल सकते हैं फॉर अ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड मतलब कॉन्स्टेंट की बात कर रहा हूं, कि करंट जो होगा, जो भी करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। समझ में, है ना, जिसको मैथमेटिकली वी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम रिप्लेस करेंगे हटाएंगे तो क्या आएगा, आर आएगा भैया, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन यहां के लिए रेजिस्टेंस कैसा है, ये कॉन्स्टेंट है, कैसा है रेजिस्टेंस, कॉन्स्टेंट है, है ना। अब देखो आपको इसी चैप्टर में भैया कुछ ही दिन के बाद, दो दिन के बाद हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं एक वर्ड बोला था कि आप सर पोटेंशियल को कितना भी चेंज करोगे करंट आपका चेंज होगा लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, आपको इसके हिसाब से ओम्स लॉ के हिसाब से क्या बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल और करंट, तो अगर पोटेंशियल में हल्का सा भी चेंज हुआ तो करंट में चेंज होना चाहिए, सिंपल सी बात है, यही है ना। लेकिन एक टॉपिक है जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं करंट कोई कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बढ़ाओगे करंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बढ़ाओगे करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, अगर मैं वहां तक लेके पहुंच गया तो करंट भी है उससे भी आगे भाग जाएगा, सडनली उतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पता नहीं, है ना, जिसका नाम है भैया जेनर डायोड, हम पढ़ेंगे ठीक है इसी चीज। भैया देखो कंडक्टर का जो कंडीशन है थिक है ये क्या है, वो डिपेंड्स करता है क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है ना, ये जस्ट इसके बाद भैया हम आपको पढ़ाएंगे, अभी तो थोड़ा धैर्य रखेगा, आज ही पढ़ा देंगे, धैर्य रखना, ये चीज तुम्हारा जो डाउट है अभी क्लियर होगा, यहां तक में कोई दिक्कत है ना। तो भैया इसका हम डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे, ये जितना एडवांटेज है जितना बोला जाता है ये गलत भी साबित होता है आगे चल के, समझ में आया यहां तक। अब देखो ध्यान से नोट्स में मैंने आपको क्या लिखवाया भाई, कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है आर वो डिपेंड्स अपॉन द नेचर कॉमा डायमेंशन ऑफ द कंडक्शन। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा भैया, यहां पर ध्यान से समझिएगा, आप साइड में कहीं पर लिख सकते हैं अगर इसको लिखना हो तो, अगर मैं इसकी बात करूंगा नोट्स में जो लिखा हुआ है, देखो नेचर की बात किया मतलब, नेचर छोड़ दो पहले, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो सबसे पहला कंडीशन रेजिस्टेंस, यहां पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, करंट और वोल्टेज को आप कितना भी बढ़ा दो कम कर दो तो, लेकिन और भी कंडीशन है, अगर मैं शेप एंड साइज की बात करूं, शेप एंड साइज किसका, तो कंडक्टर का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। दूसरा कंडीशन भैया टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस आपका, अगर आपने किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो तो भी रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट आएगा, है ना।
शेप एंड साइज, अगर आपने कंडक्टर का लेंथ बहुत ज्यादा कर दिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम किए, तो उसके अकॉर्डिंग शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, तो उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फर्क पड़ने वाला है, उस पर टेम्परेचर के ऊपर भी है। और तीसरा कंडीशन है भैया नेचर, या नेचर ऑफ मटेरियल की बात कर सकते हैं, है ना, आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं, मतलब आयरन यूज कर रहे हैं, हर एक मटेरियल का अलग अलग नेचर होता है, तो उसके ऊपर भी भैया आपका रेजिस्टेंस क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये तीनों चीज को मैंने एक ही कंडीशन में लिख दिया हूं कि आपका जो वैल्यू जो होगा किसका, रेजिस्टेंस का, वो डिपेंड्स करेगा किसके ऊपर भैया, नेचर डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। समझ में आया यहां तक में, क्लियर है यहां तक में? अरे हाँ ये नहीं, अच्छा अब देखिए ध्यान से भैया, यहां तक तो ठीक है ना, यहां तक तो आपका ठीक था भैया। देखो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जो आगे चल के और मैं आपको इसको क्लियर करूंगा, ओम होता है भैया रेजिस्टेंस जो होगा यहां पर, देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस जो होगा आर बराबर क्या लिख सकते हैं, वी बाय आई, हाँ या नहीं? तो वी देखो क्या होता है, वोल्ट होता है, अरे पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही ना, और करंट का कितना होगा, एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, और इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं भैया, ओम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे, है ना। तो एसआई यूनिट किसका, रेजिस्टेंस का कितना होगा, ओम होगा, है ना, इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, और इस बार मतलब पिछले नहीं पता, लेकिन पूछा जा सकता था, हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे या कहीं पर भी पूछ दे। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे भैया दो ग्राफ के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, इसका लाइन कौन सा रे, देखो सुन लेना, अरे यार ठीक है, सुनिएगा ध्यान से भैया, दो ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक है यहां पर, अगर मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल है, वी है ना, यहां पर कितना दिया है, पोटेंशियल दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, किसके बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल के बारे में, और यहां पर कितना दिया, एक्स एक्सिस पे करंट दिया हुआ है, ठीक है। एक ग्राफ दिया है जिसमें भैया वाई एक्सिस पे आपको करंट है और यहां पर कितना है, पोटेंशियल है। दोनों ग्राफ में चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा भैया, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा, कितना भी आप कुछ कर लेंगे आपका ग्राफ कैसा मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन, है ना। आपको ग्राफ जो मिलेगा कैसा, आप देखो आपका जो, बताइए, देखिए भैया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका भैया, करंट का। तो क्या अगर मैं पोटेंशियल को जितना ज्यादा इंक्रीज करूंगा उसके हिसाब से करंट इंक्रीज होगा, या आप यहां पर भी पोटेंशियल को जितना ज्यादा बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, मतलब ग्राफ कैसे जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, है ना, सीधा जाएगा। अरे भाई आप एक तरीके से सुनना, आप याद होगा आपको कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है कि अगर एक कोई ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो y बराबर में x क्या होता है भैया, ऐसा ही होता है ना ग्राफ, और हाँ ही नहीं? तो यहां पर भी तो सेम कंडीशन है, मान ले v को y और i को x, तो y बराबर क्या है, x है ना, है ना, तो यहां पर भी क्या होगा, ग्राफ तो ऐसे ही होगा। लेकिन अब यहां पर भैया एक कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें पूछा जा सकता था, आपसे यह पूछा जा सकता है कि वी आई के ग्राफ में या फिर आई वी के ग्राफ से हमें मिलने वाला स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, किसकी बात कर रहा हूं, अगर भैया हम वी आई की ग्राफ की बात करेंगे या फिर आई वी ग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो इन दोनों से मिलने वाला स्लोप क्या होगा। तो भैया स्लोप का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है कि अगर मैं स्लोप की बात करूंगा तो स्लोप का मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा भैया, तो हाइट अपॉन में किसके ऊपर, बेस के ऊपर, नहीं दिखाई दे, देखो किसके ऊपर हम बात करेंगे भैया, स्लोप जो होगा,
स्लोप क्या होगा, हाइट अपॉन में बेस होता है, अरे हाँ नहीं, ढलान जिसको आप बोलते हैं यही है ना स्लोप। तो स्लोप जो होगा हाइट अपॉन में बेस होगा। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं इस लाइन पे किसी भी दो पॉइंट्स मान ले, तो एक पॉइंट यहां पर एक पॉइंट यहां पर, और इसका हाइट देखो ये है और इसका ढलान ये होगा, हाँ यानी इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का भैया आपको क्लास 11th के मैथ्स में मैंने आपको कम से कम 3 से 4 मेथड बताया था। यहां से अगर थीटा आपको पता है तो टेन थीटा भी आपको स्लोप को बता देगा, है ना। लेकिन अगर थीटा नहीं पता है तो बताइए ये वाई एक्सिस पे कितना है, वी है तो ये भी कितना होगा, वी होगा, और एक्स एक्सिस पर आई है तो ये भी कितना होगा भैया, आई होगा। तो अगर मैं यहां से इसका स्लोप निकालूं तो स्लोप कितना होगा, वी बाय आई। भैया वी बाय आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को ना, तो भैया स्लोप कितना होगा इसका, रेजिस्टेंस होगा, आर होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर स्लोप निकाल रहा हूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया, आई को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी को। तो यहां पर देखो स्लोप जो आएगा, स्लोप कितना होगा, आई बाय वी। क्या आई बाय वी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहेगा, नहीं, ये क्या होगा भैया, वन अपॉन में आर होगा। मतलब अगर ग्राफ आपका वी आई है, मतलब v y एक्सिस पे है और i किस पे, x एक्सिस पे, तो इससे जो मिलने वाला स्लोप है क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर y एक्सिस पे आपका करंट है और x एक्सिस पे v है, मतलब पोटेंशियल है, तो इससे जो मिलने वाला जो स्लोप है वो क्या होगा आपका, वन अपॉन में r होगा, रेजिस्टेंस होगा। और इसी को भैया ये क्या मैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकता हूं इसको, अरे हाँ नहीं, और आगे चल के हम इसके ही बारे में पढ़ेंगे, जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टिविटी कहलाता है, सॉरी कंडक्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, जो आज मैंने मॉर्निंग वाले बैच में लास्ट टॉपिक कंडक्टेंस तक पढ़ाया था। कंडक्टेंस का डेफिनेशन ही होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। अगर रेजिस्टेंस का उल्टा जो होगा वो क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाएगा। और इसका जो यूनिट जो होता है भैया, जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता है ओम है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम है। तो भैया कंडक्टेंस वन अपॉन में आर का यूनिट क्या होगा, वन अपॉन में ओम होना चाहिए, और वन अपॉन में ओम को हम क्या बोलते हैं, महू। ओ एम एच बोलते हैं भैया, ओह महू होता है, एम ओ एच होगा, सॉरी ठीक है, क्या होगा, महू, वो मोई मोई नहीं, वो आगे जाके पढ़ना है ठीक है। तो यहां तक मैं आप थोड़ा सा छाप लेंगे फटाफट, जल्दी इसको जल्दी कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत है ग्राफ में, भी ग्राफ समझ में आया, अगर v और i के बीच का ग्राफ है तो स्लोप क्या बताएगा, रेजिस्टेंस को, और i और v का ग्राफ है तो स्लोप आपको क्या बताएगा, वन अपॉन में रेजिस्टेंस को। चलिए, कोई दिक्कत, फास्ट कीजिएगा, अरे वो तो खुद से बना सकते हो, जब समझ गए तो देख देख के क्या लिखना, फटाफट दो लाइन खींचो ना और वहां पे लिख दीजिए ना। हो गया क्लियर,
चलिए देखिए, दो देखो इधर भैया, हमने अभी ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस के बारे में बात किए थे। रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ तक तो पता है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ऑफ द कंडक्टर का। इसके अक्रॉस अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस को, सुन लो, अगर मैं इसके अक्रॉस बात करूंगी कि आप जितना भी पोटेंशियल बढ़ाओगे या करंट बढ़ाओगे या कम करोगे, रेजिस्टेंस के ऊपर किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे भैया, हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखो, नाम से ही भैया सिंपल सा वर्ड है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो रेजिस्टेंस है। क्या है भैया? रेजिस्टेंस है। क्या करेगा? रजिस्ट करेगा किस चीज को? तो करंट, है ना। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये क्या होता है? प्रतिरोधक होता है ना। क्या करेगा भैया? जो करंट मतलब विद्युत धारा को क्या करेगा? रोकने का काम। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब करंट वहां पर क्या होगा? बहुत कम फ्लो करेगा। सिंपल सी बात है। अब कैसे कम फ्लो करेगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर भैया मान लो किसी भी प्रतिरोधक मतलब रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का अगर वो कम होगा, इसका मतलब वहां से ज्यादा क्या जा सकता है? करंट जा सकता है। अब सिंपल सा एग्जांपल है, देखो रेजिस्टेंस आर बराबर क्या है? वी बाय आई है भैया। पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ करंट का देखिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, है ना। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा तो करंट कम, अगर भैया रेजिस्टेंस की वैल्यू कम तो करंट ज्यादा, है ना। तो अगर भैया किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट आपको कितना फ्लो होगा? बहुत कम फ्लो होगा। अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा तो करंट कितना फ्लो होगा भैया? ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगा। क्लियर? मतलब यहां पर रेजिस्टेंस जो होगा आपको क्या करेगा? जो फ्लो ऑफ करंट है उसको रजिस्ट करने का काम करेगा। सिंपल, रजिस्ट मतलब भैया रोकने का काम करेगा। किसको? तो फ्लो ऑफ करंट को, है ना, थ्रू इट। क्लियर? अब देखो इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जो आपसे पूछा जा सकता है, और भाई बिहार बोर्ड में होता क्या, ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा पूछा ही जाएगा। वैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट पहले भी बताया अभी जस्ट, है ना। रेजिस्टेंस का इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है, ये भी हमने बात किए थे। और ये जो ओम जो होता है किसके बराबर होता है? वोल्ट पर एम्पियर को। मतलब भैया वोल्ट पर एम्पियर को ही आप क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए ध्यान से भैया, हमें इसका एसआई यूनिट पता है। एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट पर एम्पियर होता है, यही होता है भैया। वोल्ट का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जो वर्क अपॉन में क्या होता है? चार्ज होता है। क्या मैं वोल्ट का अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम और इंटू में एम्पियर लिख सकता हूं भैया। जूल पर कूलम किसका यूनिट है? किसका यूनिट है? पोटेंशियल का, है ना। जूल पर कूलम किसका यूनिट है? पोटेंशियल का। और इसके साथ साथ क्या लिखा है यहां पे? एम्पियर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। जूल का मतलब क्या है? वर्क, है ना। और वर्क को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या होगा? न्यूटन मीटर, है ना, डिवाइडेड बाय। अच्छा एक चीज बताना, कूलम्ब है भैया, कूलम्ब मतलब चार्ज, और चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? करंट इंटू में टाइम। तो करंट के लिए एम्पियर आएगा, तो एम्पियर एम्पियर का स्क्वायर, और टाइम के लिए कितना होगा? सेकेंड होगा। क्लियर? अच्छा अब देखो भैया, न्यूटन किसका है? फोर्स का ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? केजी मीटर। तो मीटर ऑलरेडी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर नीचे ना भाई, तो एम्पियर का स्क्वायर और सेकेंड का कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब आप इसको तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। चलिए तो इसका डायमेंशन हो जाएगा भाई देखिए, केजी के लिए एम होगा, मीटर के लिए एल के पावर टू होगा, टाइम के लिए टी के पावर माइनस थ्री, और ए के पावर कितना होगा भैया? माइनस टू। तो अगर आपसे कोई पूछ दिया जाता है कि डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा भैया, आप साइड में लिख लेना, एम के पावर में वन, एल के पावर में टू, टी के पावर में माइनस थ्री, और ए टू दी पावर कितना होगा? माइनस टू होगा, है ना। तो
कि किसका डायमेंशन है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन। क्लियर, समझ में आया? तो भैया रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो गया कि एम एल टू टी टू दी पावर माइनस थ्री और ए टू दी पावर कितना होगा, माइनस में टू होगा। सही है, चलो जल्दी करो यहां तक में, पहले जल्दी लिखेंगे डायमेंशन। फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस का एम एल के पावर में टू, टी के पावर में माइनस थ्री और ए टू दी पावर, ए मतलब यहां पर कितना क्या है, करंट है ना, ए का मतलब क्या है भैया, करंट है, करंट का कितना होगा पावर में, माइनस टू होगा। करंट के पावर में कितना होगा, माइनस टू। क्लियर यहां तक में? अच्छा अब देखो ध्यान से भैया, अभी तक में सुन लो, इधर सुनिएगा, इधर आपने लिख लिए होंगे ये चीज, सुनिए ध्यान से भाई। अभी तक में हम बात कर रहे थे यहां पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, जिसका एसआई यूनिट वोल्ट पर एम्पियर होता है, और इसको आप क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है, इसका क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो आपसे यहां पर क्वेश्चन किया हुआ है कि आप वन ओम को कैसे डिफाइन कर सकते हो, वन ओम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा भैया, यहीं से सब कुछ पता चल जाता है। वन ओम को डिफाइन करना, इसका मतलब यह है कि किसी भी कंडक्टर से, मान लो भैया ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो होना चाहिए, एक एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। कितना करंट फ्लो होना चाहिए, एक एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए, है ना। और उस एक एम्पियर के करंट फ्लो होने से भैया इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए हमें, एक वोल्ट का मिलना चाहिए। तो इससे जो मिलने वाला हमारा जो रेजिस्टेंस होगा ये कितने का होगा, एक ओम का होगा, है ना। सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा है कि वन ओम इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, है ना। वन ओम भैया, वन ओम इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच अ करेंट ऑफ कितना, वन एम्पियर फ्लो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना, वन वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, है ना। मतलब भैया फिर से सुनना, इधर से फिर से सुनिएगा। देखो ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कितना भी इंग्लिश में लिख के दूं वो नहीं समझ में आएगा जितना मैं यहां पर समझाऊंगा, आप ध्यान से समझेंगे उस चीज के बारे में। यहां पर जो लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंडक्टर वन ओम का रेजिस्टेंस कब कहलाता है, जब भैया उस कंडक्टर से आप कितना करंट फ्लो करेंगे, एक एम्पियर का करंट क्या करेंगे, फ्लो करवाएंगे। कितना करंट फ्लो करवाएंगे भैया, एक एम्पियर का करंट अगर उससे फ्लो हो रहा होगा, और उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, एक वोल्ट का। कितने का मिलेगा भैया, एक वोल्ट का। तो यहां पर वन वोल्ट पर वन एम्पियर हो रहा है ना, तो इससे आपको कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, वन ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। कितने का रेजिस्टेंस मिलेगा, वन ओम का। अच्छा आपके मन में यह चल रहा होगा कि सर कोई जरूरत थोड़ी है, अगर आपने एक एम्पियर का करंट है अगर आप फ्लो करवा रहे तो वन वोल्ट क्या, हम दस वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर आपने एक एम्पियर के जगह पे एक एम्पियर करंट फ्लो करने पे आपको उस कंडक्टर से दस वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दस ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, दस ओम हो जाएगा। अगर मान लो एक एम्पियर करंट फ्लो होने के बाद अगर आपको 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा भैया, 1000 ओम हो जाएगा, है ना। तो आप देखो हर चीज में हम पर यूनिट की बात कर रहे हैं, यहां पर यूनिट क्या है, करंट है। किसकी बात कर रहे हैं, पर यूनिट किसकी बात कर रहे भैया, करंट पे, मतलब पर यूनिट एम्पियर, पर एम्पियर पे बात कर रहे हैं ना, वन एम्पियर वन एम्पियर वन एम्पियर पे बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। हाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर आपने एक ही एम्पियर, क्यों भाई, हम अगर मुझे मानना है कि अगर कंडक्टर है जिससे मैं 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप फ्लो जितना भी करवाना है करवा सकते हैं, 10 एम्पियर का करंट फ्लो, और उससे जो मिलने वाला पोटेंशियल मान लो 100 का होगा, तो देखो एक जीरो से जीरो कट गया तो 10 ओम। इसका मतलब क्या है पता है, 10 एम्पियर है ना, इसका मतलब ये है कि भैया जब आपने एक एम्पियर करंट फ्लो करवा रहे थे तो उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा था, 10 का ही मिल रहा था, और आपने 10 एम्पियर करवा दिए तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल गया, 10 ना ही 100 मिल गया, तो ये 100 है, लेकिन रेजिस्टेंस तो आपका सेम रहेगा, कितना रहेगा, कितना रहेगा, 10 ही रहेगा ना, ये तो चेंज नहीं होने वाला है। समझ में आया ये चीज? तो अगर डिफाइन करने के लिए आपको बोलता है
तो डिफाइंड 1 ओम में लिखना है कि 1 ओम इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, थ्रू विच अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1 वोल्ट है ना इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, है ना, किसी भी कंडक्टर मतलब किसी भी कंडक्टर से अगर आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो उस कंडक्टर से आपको 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवा दो और उससे जो मिलने वाला जो पोटेंशियल होगा अगर वो आपको 1 वोल्ट का मिलता है तो वो क्या कहलाएगा 1 ओम का रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर है यहां तक में? तो ये था भैया अब तक में पूरा रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर इफेक्ट है, मतलब इन जनरल बात करेंगे। चल भैया कहाँ गया वो लड़का, तुम्हारा क्वेश्चंस नहीं हुआ भैया, सोम तक दिन तक याद रहेगा। देखो कौन से फैक्टर मतलब कौन कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है या कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस का, तो हम वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बता ही दिया था कि रेजिस्टेंस भैया कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है, शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड्स करता है ना, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड्स करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो भैया हम इसके हिसाब से पहले शेप एंड साइज पढ़ने वाले हैं, फिर दूसरे बार में हमने नेचर ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा, है ना। जैसे कल हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मोबिलिटी का कंसेप्ट पढ़े हुए थे और मोबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को बढ़ा रहे हो मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका मोबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो ज्यादा होता है मोबिलिटी ऑफ होल्स का, है ना। तो ये सारे कंडीशन आपको देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही भैया, मिलते हैं सोमवार को अगले लेक्चर और अगले टॉपिक के साथ। चलिए।